तकरीबन 800 साल पुरानी चली आ रही प्रथा को आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बता दें आपको कि केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं का जाना बंद था, क्योंकि इसके पीछे वजह बताई जाती है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। लेकिन आज कोर्ट के फैसले के बाद अब हर उम्र की महिलाएं मंदिर में पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर बात करें कोर्ट के फैसले की, तो अदालत का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के मुताबिक किसी शख्स को मान्यताओं के आधार पर मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बोर्ड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर बोर्ड मान्यताओं की बातों को करता है तो साबित करे कि महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी धार्मिक प्रथाओं का अभिनंग है। कोर्ट ने आगे कहा, क्या सिर्फ महावारी से महिलाएं मलिन हो जाती हैं? इसके साथ ही अदालत ने कहा कि लड़की को 9 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाए या फिर 50 साल की उम्र के बाद भी अगर ये जारी रहे तो क्या होगा। बताते चले आपको, केरल सरकार महिलाओं के प्रवेश के साथ थी। हालांकि कई लोगों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। मंदिर के पुजारी के पोते राहुल ने निराशा व्यक्त की है, तो वहीं कन्नड़ अभिनेत्री और मंत्री जयमाला ने कोर्ट के फैसले की तारीफ की, तो वहीं भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि धर्म किसी लिंग की संपत्ति नहीं है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।